एक आपके लिए सरप्राइज है, फ्रिज में 6-6 बियर की बोतल रखी है। क्यों? मैं लेकर आई हूँ आज। क्या बात है? हाँ देखो, दिखा देखो, खोल के देखो, जाओ। Very good. तो गाइस आज हम आए हैं, मतलब जैसे तुम लोगों को पता है, नहीं तुम लोगों को नहीं पता, सॉरी, तो हम लोग आए हैं रितिका की बर्थडे की शॉपिंग करने। कल रितिका का बर्थडे है तो हम लोग अभी शॉपिंग करने आए हैं, छोटी मोटी उसके बर्थडे के लिए, डेकोरेशन के लिए सब कुछ। और मानसी दियोर में आए तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ पर कोई सरप्राइज प्लान नहीं हो रहा। रितिका को सब पता हो, मैंने रितिका से पूछ पूछ के सामान लिया, क्योंकि अगर उसे आगे पसंद नहीं आता तो हमारे पैसे वेस्ट चले जाते। यस, तो अभी मैंने सब कुछ सामान लिया है। मैंने ये बर्थडे का जो सब कुछ डेकोरेशन होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, रितिका को ही आइडिया ज़्यादा, तो हमने उससे पूछ के लिया है। तो बर्थडे का सामान उससे पूछ के लिया है। यस, दैट्स व्हाट मिडिल क्लास पीपल डू, नो सरप्राइज़। बोला मैंने अभी, और हमारे पैसे वेस्ट हो जाए अगर उसे पसंद आया तो, इसीलिए। और अब रात में 12 बजे शायद उसके लिए केक मंगाया, तो हम सेम फ्रिज में रखेंगे, वो फ्रिज भी चेक कर लेती है वो। यस, तो फाइनली हमने सामान ले लिया है। अब हमें पता नहीं हमने क्या क्या लेट उठा लिया, बस उठा लिया है। अब जो रितिका को पसंद है, आप क्या कर रही हो? वो इनका फेवरेट बात कर रही हूँ, स्वाति। स्वाति, ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब स्वादी, ओके सॉरी स्वादी, मेरी हर ब्लॉग में बच्चों से नहीं बनती। चलो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी हमने मानसी दी के लिए एक रील भी शूट करी है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। यस गाइस, तो हमने इतना सारा सामान लिया है, अभी इसमें बॉटल्स हैं बियर की, फ्रूट जो नॉन अल्कोहलिक है। यस, फ्रूट बियर, डू नॉट ड्रिंक गाइस, ओके। और ये सारा हमारा बर्थडे का सामान है। तो रितिका की बर्थडे पार्टी हो रही है, आई थिंक पहली बार, मानसी दी पहली बार हो रही है, पागल है क्या? मैं तो मतलब रितिका को और विक्टिम बना रही है। नहीं नहीं, पहली बार नहीं हो रही भाई, मैं तुम यहाँ कमेंट सेक्शन में बता जाना मेरे, ओ रितिका की फर्स्ट टाइम पार्टी कर रहे हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं फोन अंदर रख रही हूँ, मेरे को डर लगता है रोड पे। मम्मी एक चीज दिखाऊं, बियर लेकर आया मम्मी। हाँ क्यों नहीं ला सकते? अच्छी होती है। अरे मम्मी बियर लेकर आए, सबके लिए एक एक बियर लेकर आए, अलग अलग, सब खून साफ करेंगे अपना। क्योंकि सब एक दूसरे खून जलाते रहते हैं। बट ये नॉन अल्कोहलिक है, इसमें बियर नहीं है, मतलब अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है भाई। मेरे जितने साल के तो गाइस रितिका को मैं एक तो कम से कम सरप्राइज दूँ उसके बर्थडे पे, तो 12 बजे के लिए, यस 12 बजे के लिए मैंने कपकेक्स मंगाया, बर्थडे स्पेशल कपकेक्स। बस वो सरप्राइज रहेगा जब तक वो हमारा फ्रिज ना खोले, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है, एक एक फ्रिज है ना हमारे घर में, तो अगर उसे फ्रिज खोले तो सब कुछ स्पॉइल। तो लेट्स होप कि वो फ्रिज ना खोले, या तो मैं उसे खोलने ना दूँ। Happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. तो आज आपको कैसा लग रहा है बर्थडे? मेरे को जल्दी से विश कर दो नीचे कमेंट में जाकर, रितिका यू आर ब्यूटीफुल, ऐसे लिखना। नो, बोला एस्थेटिक रितिका, एस्थेटिक क्वीन लिख सकते हो, क्वीन नहीं, एस्थेटिक लिख सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो गाइस ये देखो, ये मैंने पूरा डेकोरेट करा है खुद। शॉट मारूंगी, मेरे अपने बर्थडे पे से शर्म नहीं आती, इसने मुझसे डेकोरेट कराया। तो भाई हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं और हम लोग छोटे हैं, इतने तो मैंने खुद ही करा था अपने बर्थडे पे, तूने नहीं करवाया था ठीक है मेरे साथ। तो मेरा काम था यार। अच्छा, तो मैंने खुद करा था ना, तू भी अपना खुद करेगी इसलिए। देखो सिर्फ मानसी थी जिनको हम एकदम बढ़िया सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, सिर्फ क्यों, क्योंकि वो बड़ी है तो उनके लिए सब रेडी रहता है काम करने के लिए। बाकी हमारे लिए, बाकी ये वो व्लॉग देखेंगी तो चिल्लाएंगी हम पे, देखना तो गाइस मैंने चेंज कर दिया। हाय गाइस, मेरी एंट्री हो गई फाइनली, तुम लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे ना, आई नो। नहीं नहीं, तो मैंने चेंज कर लिया और ऋतिका ने भी चेंज कर लिया। दिखा मैं पैंट्स तो दिखा। ओके, तो अब हमारे आ चुके हैं गेस्ट। आइए कमाक्षी, पता है यार, पता है मेरे पास डीएम आते हैं जब हम तीनों की फोटो डालती हूँ, वेयर इज कमाक्षी दीदी, वेयर इज कमाक्षी दीदी, उनको लगता है चार महीने रियल सिस्टर्स। तो किट्टू यार, अपना गिफ्ट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, ये मेरा फ्लिकर है, दिस इज योर्स, थैंक यू। हम करने वाले हैं कुछ चैलेंजेस और वो चैलेंज वीडियो आएगी किसके चैनल पर, ऑफिन मानसी के चैनल पर। यस, तो अभी जाके जल्दी से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तुम जाके ब्लॉग देख, वो चैलेंज वीडियो देख सकते हो, मेरे ब्लॉग तो तुम देख रहे हो। गाइस अब है केक कटिंग जाने, तो दिख रहा था और इतना कैसा लगा तुम्हें केक? No, it's so cute. So cute. तो मतलब ये बस एस्थेटिक की डैश डैश है। एस्थेटिक की डैश डैश। कमेंट करो क्या है? एस्थेटिक की क्या है किट्टू, इधर क्या है? मुझे भी नहीं पता क्या है। सेकेंड डे ऋतिका के बर्थडे का, बट ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत पार्टी करना है, हम लोग कराने आए हैं हेयर कट। यस, हेयर कट कौन बताता है? तो ऋतिका, ओ गॉड, हम लोग गलत जगह जा रहे हैं। तो अब हम लोग आज क्या सरप्राइज दी थी? सरप्राइज तो नहीं, रितिका बोल रही है कि हमने उसको इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी दी है तो वो हमें रिटर्न गिफ्ट में, yes. सबके बाल कटवाएगी। यस yes. तो रितिका सबका हेयर कट करवाने वाली है, जो जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरत थी हेयर कट की, सबको बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा सही में। तो हम लोग आए हैं पास वाले मॉल में GIP, यहाँ पे हम कटिंग करवाने आए हैं। मानसी दी अपना ब्लॉग शूट कर रही है, मैं दिखाती हूँ कि मानसी दी अपना ब्लॉग शूट कर रही है। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सा कट करवाने वाली हूँ, मशरूम का। यस, मैं मशरूम, यस, कटोरा कट और मशरूम कट जो भी बोलो, मैं वो कट करवाने वाली हूँ और मेरे को लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो मेरी खूबसूरती को और बढ़ा देगा। कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग, जिन्हें कौन पसंद है? वन ऑफ देम, तुम्हें पसंद है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं, तुम लोग को कौन क्यों पसंद है? तभी हम कौन हो तुम लोग? मुझे कौन नहीं, ऋतिका को पसंद है। ऋतिका क्या मिलता है कौन में? मेरे को तो कौन बहुत बुरा लगता है, तुम लोगों को पसंद है? ये ले, मेरे को तो नहीं पसंद। और अगर तुम लोगों को पसंद है, तुम लोग मुझे नहीं पसंद है, जिन जिनको पसंद है, जैसे ऋतिका है उसको पसंद है। क्या बकवास कर रही है, किसका ज़्यादा फोन अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करो। मेरा है ना यार, आपका अच्छा लग रहा है मुझे भी, ज़्यादा अच्छी लग रही है ना? नहीं, मेरी अच्छी है। गॉड, बचपन में जब मैं स्मॉल में आती थी ना, तो ये वाली जो जगह ना मेरी फेवरेट होती थी, यहाँ पर आके मैं ये करती थी। अब तो यहाँ पे लाइट भी नहीं जल रही, हो गॉड, इतने मर चुके थे, किस पे चल रही है। ये व्लॉग में सिर्फ बना रही हूँ GIP को कोसने के लिए, अब जो यहाँ पे नहीं रहते उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बट जो यहाँ पे रहते हैं वो सब देख के समझेगा, वो रिलेट करेगा। सही वाले में जा रही हूँ ना। ओके, सो यस, अब बना रही हो कुछ या नहीं? क्या बना रही हो आप? मेरे को मत बताओ, मेरे को ये बता दो मैं क्या।
मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैं हेयर कट कौन सा करवाऊँ, तो मैंने दो तीन हेयर कट जो है वो ऑप्शन में रखे हैं। एक मैंने रखा है वो, तो आधे घंटे के डिस्कशन के बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं फेदर कट करवाने वाली हूँ। और मुझे पता नहीं मुझे कैसा लगेगा, पता नहीं यार मैं अच्छी लगूंगी ना, वैसे मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। ठीक है, देख लगती किसी ने गाँव चुप रहती। थैंक यू रितिका, का है रितिका वो बर्थडे गर्ल तो बर्थडे गर्ल तो हेयर कट इतना अच्छा नहीं हुआ। अबे पागल है क्या, अच्छा लग रहा है मेरा, देखो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली। तो अब लोग हम जा रहे हैं, हम लोग अब घर जा रहे हैं। सीरियसली मेरे को बहुत टाइम से हेयर कट करवाना था, फाइनली मेरा हेयर कट हो गया, आई एम सो हैप्पी। थोड़ी सी मैं अलग लग रही हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। पहले तो मैं सुंदर लगती थी, बट अब मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ हेयर कट करवा के।